Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. Sam, सुनो. अब क्या? So there's a new project and I want it to happen anyhow. And मुझे उसके वजह से बहुत ज़्यादा anxiety हो रही है, stress हो रहा है. तो please आप कुछ भी करो, but make it happen. I want to learn how I can manifest it. Okay. Yes. Fine. Let us work onto it. Calm down. All right. Take a deep breath. Okay. Are you okay? आपने दो तीन बार ना इन द लास्ट टू मंथ्स मुझसे एंग्जायटी के बारे में कुछ शेयर किया है. ट्रस्ट मी, इट इज सीरियस. डोंट लेट एंग्जायटी ड्राइव इन योर हेड. शुरुआत ऐसी होती है नॉर्मल स्ट्रेस से, बट एंग्जायटी इज रियली रियली नॉट समथिंग यू वांट टू. एक टिप मैं आपको दूंगा. ओके, एंग्जायटी क्यों होती है? बिकॉज कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, द बैक साइड ऑफ योर ब्रेन, अमिगडाला जिसको कहते हैं, इज हाइपर एक्टिव. आपको उसको शांत करना है. सो यू गेट आउट ऑफ द अमिगडाला रेफरेंसेस एंड यू आर बैक इन योर कॉन्शियस. ओके, एक एक्सरसाइज मैं आपको देने वाला हूं. प्रैक्टिस इट कपल ऑफ टाइम्स अ डे, बिकॉज अंडरस्टैंड व्हेन इन डिस्ट्रेस यू विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन टू इट. इसलिए नॉर्मल रूटीन में उसकी प्रैक्टिस इतने अच्छे से करनी है आपको कि जब भी आपको स्ट्रेस या लगे कि आपके ट्रिगर्स आ रहे हैं, यू हैव टू डू दैट. आर यू रेडी फॉर इट? यस, आई एम रेडी. ओके, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज अ 5-3-10 फॉर्मूला. 5-3-10 क्यू? फर्स्ट, जब आप ब्रीथ कर रहे हो, आपका फर्स्ट ब्रेथ इन 5 काउंट्स पे होगा. ओके, 3 काउंट्स आप उसको होल्ड करोगे और जब आप सांस छोड़ोगे तो उसको 10 काउंट्स पे छोड़ोगे. आर यू रेडी? आई एम गोना गिव यू काउंट एंड यू गोना डू दैट विद मी. ऑलराइट, स्टार्ट. सिट, रिलैक्स. आप सोकर भी कर सकते हो, जैसे भी करना आपको करना है. ओके ओके ओके. नाउ जब मैं काउंट दूंगा, यू विल स्टार्ट ब्रीदिंग इन. Okay. Start breathe in 1, 2, 3, 4, 5. Hold 2, 3. Really slowly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, let's do this exercise again. Okay, yeah. और इस बार we're gonna do it more rhythmically. Okay. जब आप सांस अंदर लोगे, आपके shoulder blades ऊपर आएंगे. जब आप release करोगे, आपके shoulder blades भी नीचे जाएंगे. Correct. And this time we'll do a little bit more faster, ताकि आपको artificially आपकी breath hold करने की ज़रूरत नहीं है. Right. Are you ready? Yeah. और इस बार मैं भी आपके साथ करूँगा. Okay. Start. Take a deep breath in. 1, 2, 3, 4, 5. Hold 1, 2, 3. Release 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do you feel anything different? Yeah, I feel calmer. सबसे पहले ये आपकी हार्ट बीट को instantly regulate करेगा. Right. Instantly, I mean instantly. Secondly, आपका जो hyperactive brain part है ना, उसको शांत कर देगा. Practice this at least 2-3 times a day, ताकि next time आपको थोड़ा सा भी trigger लगेगा ना, आप इस चीज को करना शुरू करिए. जहां पर भी हो, 5-3-10. 5 काउंट्स इन, 3 काउंट्स होल्ड, 10 काउंट्स आउट. जहां पर भी हो, जिस भी पोजीशन में हो, यू कैन डू दिस एक्सरसाइज. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू योर सेकंड पॉइंट. आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई है, आपको कैसे भी वो मैनिफेस्ट करनी है. सबसे इंपॉर्टेंट बात साक्षी, आई अंडरस्टैंड आप बहुत एक्साइटेड हो. एक ही चीज आपको अफर्म करनी है. अगर वो आपके लिए सही है तो लेट दैट हैपन टू यू एज सून एज पॉसिबल. कई बार हमारे पास बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आती है. Not necessarily they are the right ones for you. इसलिए जब भी आप manifest करो ना, यही manifest करो. If it is right for me, let it happen to me as soon as possible. Okay. Okay. और manifest करने के 3 strong तरीके मैं आज आपको देने वाला हूँ. One, affirmations. Yes. Right. Affirmation आपके body के हर cell को program करती है, आपके subconscious mind को program करती है, और साथ ही law of attraction के through आप वो चीजें को manifest करते हैं. आप एक यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे हो, साथ ही साथ अपने बॉडी के सेल्स को आप प्रोग्राम कर रहे हो. तो आप इस चीज में कुछ अफर्मेशंस यूज करिए. आप कुछ ऐसे अफर्म करिए, आई मैनिफेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी फॉर मी इफ इट इज राइट फॉर मी. अगर ये मेरे लिए सही है तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास जल्द से जल्द आए. ओके. सेकेंडली, मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए केपेबल हूं और मैं इस अपॉर्चुनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हूं. यस, राइट. थर्डली, मैं हर तरह से
चाहती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे आए फिजिकली स्पिरिचुअली इन एवरी सेंस, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ और इसको एंड टू एंड फुलफिल करने के लिए मैं रेडी हूँ. राइट, इससे आप एक प्रैक्टिकल मोड पे भी आओगे. यू आर जस्ट अफर्मिंग कि आप हर तरह से इस सिचुएशन को डील करने के लिए रेडी हो. राइट, सेकेंडली वर्क विथ योर क्रिस्टल. आई सी दैट यू आर वेयरिंग सम क्रिस्टल्स. व्हाट यू वेयरिंग देयर? एमेथिस्ट एंड ब्लू एपेटाइट. या परफेक्ट, जो भी क्रिस्टल्स आपके पास में हो ट्राई एंड यूज दैट. हाउएवर, अगर आपको कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है ना, अपॉर्चुनिटीज हो, अबेंडेंस हो, या कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करना है, तो आई एम गोना गिव यू अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सीक्रेट कॉम्बिनेशन. राइट, आई कॉल इट द अबेंडेंस कॉम्बिनेशन. फाइव क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें टाइगर स्टोन है जो आपको करेज कॉन्फिडेंस देता है, सिट्रीन है जो अबेंडेंस लाता है, ग्रीन एवेंचुरिन अपॉर्चुनिटीज लाता है, टर्मिनेटेड क्वार्ट्ज है जो ऑब्स्टिकल्स को निकालता है, और पाइराइट व्हिच इज समथिंग फॉर मनी एंड फाइनेंसेस. यस, माय फेवरेट फेवरेट. राइट, सो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो. और ये थर्ड एक्टिविटी मैं आपसे कराने वाला हूँ. आर यू रेडी फॉर इट? यस. आप लोग भी इसको साथ में करिए. जो भी आपके गोल्स है ना, जो भी आपके पर्टिकुलर टारगेट्स है, आप जो भी चाहते हो उस चीज को मन में लाइए एंड डू दिस एक्टिविटी फॉर मी. इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन. इसमें क्या करेंगे, आप अपनी आंखें बंद करोगे, एक रिलैक्स मोड में जाओगे और आप वो सारी चीजें करते हुए अपने आप को विजुअलाइज करोगे. ओके, आर यू रेडी? क्लोज योर आईज. राइट, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई हो, जो भी आपका गोल है, जो भी आपके टारगेट्स है, आप इस वक्त उस चीज के साथ में हो. आपके साथ वो चीज हो रही है, आपके पास वो चीज ऑलरेडी है. आप अपने आप को विजुअलाइज करिए उस चीज को एंजॉय करते हुए, उस चीज को करते हुए और उस जगह पे होते हुए. फील द एनर्जी, फील द जॉय, फील द एक्साइटमेंट. आपको कैसे महसूस हो रहा है अभी कि वो चीज आपके पास है? आप इसी फीलिंग को अपने माइंड और अपने बॉडी में एक्सपीरियंस करिएगा और फिर से अफर्मेशन छोड़िएगा कि ये चीज अगर मेरे लिए सही है तो जल्द से जल्द मेरे पास आए. राइट, सो साक्षी मैनिफेस्टेशन के लिए तीन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हमने क्या सीखे आज. एक है आपके अफर्मेशंस. क्यों? क्योंकि वो आपके फिजिकल बॉडी सेल्स को प्रोग्राम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करते हैं. सेकेंड है क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जो एक्सटर्नल सपोर्ट लाती है, एक बैलेंस लाती है आपके एक्शंस को फल लाने में, आपके इंटेंशंस को एक शेप देने में. और थर्ड है विजुअलाइजेशन टेक्निक. विजुअलाइजेशन एक इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है ना, आपको जो भी चाहिए अपने लाइफ में इमेजिन आपके पास ऑलरेडी है. से फॉर एग्जाम्पल आपको लंदन हॉलीडे जाना है, गूगल पे जाइए, वहां के पिक्चर्स देखिए, वहां का टेम्परेचर कैसा होगा देखिए, अपनी आंखें बंद करके महसूस करिए कि आप उस जगह पर हो. ट्राई एंड सी आजू बाजू में किस तरह की स्मेल्स आपको आ रही है, उसके डिस्क्रिप्शन आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो. उधर का टेम्परेचर कैसा है, उधर के लोग कैसे है, सारी चीजें आंखें बंद करके महसूस करिए. उससे क्या होता है पता है? What you just did, no, Sakshi, visualizations, आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है ना, ऑलरेडी आपने टाइम में आगे जाके वो एनर्जी वहां पे प्लांट कर दी. Now, all you have to do is reach there and manifest it for yourself. Yes. Right? इस तरह से कुछ स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स करके आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो. एंड यस, मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एंग्जाइटी है, अगर किसी भी तरह की चीजें है, डू दिस एक्सरसाइज और सेकेंडली टेक हेल्प. जहां पर भी जरूरत है ना, प्लीज टेक प्रोफेशनल हेल्प. थैंक यू सो मच सैम, आई फील इट हैपनिंग ऑलरेडी. सो थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम साक्षी. एंड अगर आपको भी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है, आपको भी कुछ स्पेसिफिक चीजें जाननी है, तो प्लीज हमें कॉमेंट्स में लिख के भेजिएगा. आई बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू ऑन हाउ टू वर्क ऑन दोज थिंग्स. जरूरत हो तो मैं आपको वीडियो गाइडेंस भी दूंगा. सो प्लीज सेंडिंग योर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सेंडिंग यू ऑल अ लॉट ऑफ लव एंड लाइट.